सो गाइस बिलीव मी अकॉर्डिंग टू मी FZX यामा की एक सबसे शानदार अफोर्डेबल 150cc बाइक है इंडियन मार्केट में। 1,45,700 रुपीज़ इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है। मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड बेस्ट 150cc क्लास बाइक इन इंडियन मार्केट, अगर सब चीज़ों के बारे में बात करें। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा FZX के बारे में और बताऊँगा कि क्यों ये वन ऑफ द बेस्ट 150cc क्लास बाइक है इंडियन मार्केट के अंदर। तो जो लुक आता है इसका, पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आता है, काफ़ी बढ़िया लुक आता है। सबसे बढ़िया अगर क्वालिटी की बात करूँ तो कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर अगर टेल लाइट की बात करूँ तो वो भी कंप्लीट LED आपको यहाँ देखने को मिलती है। इसके अंदर अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो बढ़िया यहाँ फ्लेक्सिबल आपको बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बहुत ही एक नया तरीके का, नए डिज़ाइन के साथ आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ इस बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS आता है। इस बाइक के अंदर फ़ोन कनेक्टिविटी वाला फीचर आता है, विच इज़ वाई कनेक्टिविटी। यामा के एक ऐप है जिसके साथ आप फ़ोन को इस बाइक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हैं। इस बाइक के अंदर आपको यहाँ देखने को मिलेगा फ्रंट में चार्जिंग पोर्ट, जो कि आपने बहुत कम बाइक्स में देखा होगा, कंपनी फिटेड जो आता है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, विच इज़ द चार्जिंग पोर्ट इन दिस बाइक। साथ में बात करें तो इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है, पर्सनली मुझे काफ़ी शानदार लगा इस बाइक का लुक। जो प्रॉपर लुक आता है वो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लुक आ रहा है FZX का इस समय, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड इसका जो फ्यूल टैंक है 10 लीटर का आता है। पावर मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, 5 गियर आते हैं इस बाइक के अंदर। ये सेम यामा FZ वाला आपको इंजन देखने को मिलेगा इसके अंदर और सेम ही आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। सस्पेंशन सेटअप मुझे यामा FZ से बेटर लगे। यहाँ पर जो है जो सस्पेंशन सेटअप आता है दैट इज़ टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम एंड रियर में यहाँ मोनोशॉक हमें देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। सीट हाइट की बात करूँ 810 mm इस बाइक की सीट हाइट है। अगर आपकी हाइट 5 feet 6 inches से ऊँचे हैं अगर आप, तो डेफिनेटली आप इस बाइक को बहुत कंफर्टेबली चला पाएंगे। इस बाइक के जो टायर्स हैं मुझे काफ़ी पर्सनली काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे। डेफिनेटली यहाँ पर MRF के टायर आते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं MRF लिखा हुआ है। एंड जो यहाँ पर ट्रेड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ये एक स्क्रैम्बलर कैटेगरी में आती है बाइक मेरे हिसाब से और काफ़ी बढ़िया इसका रोड प्रेजेंस है। एंड डेफिनेटली अगर आप चलाएंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल आपको लगेगी। एंड जो पिलियन है उनके लिए बहुत कंफर्टेबल बाइक है, पिलियन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है FZX अगर उसकी बात करी जाए। यहाँ पर पीछे आपको ग्रैब बार्स भी देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल जो लुक आता है ना बाइक का वो बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही टॉप नॉच आता है। डेफिनेटली क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं इस बाइक के अंदर। 17 inches का यहाँ पर अलॉय व्हील आपको देखने को मिलता है। 282 mm का आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। सिंगल चैनल ABS के साथ आती है ये बाइक, तो इस बाइक की ब्रेकिंग भी बहुत ही आपको अच्छी देखने को मिलती है यहाँ पर। एंड ओवरऑल जो प्रॉपर एक फिट एंड फिनिश है बाइक की वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। 1,45,700 रुपीज़ इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है। मोबाइल कनेक्टिविटी वाला फीचर आता है जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। आप फ़ोन के साथ इस बाइक को कनेक्ट करके जान सकते हैं आपने बाइक कहाँ पार्क की, आपकी बाइक का क्या माइलेज निकला, आपकी बाइक की नेक्स्ट सर्विस आपको कब करानी है, आपकी बाइक में कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ स्टार्ट बाइक है। इस बाइक के अंदर किक हमें देखने को नहीं मिलता है, मेरे हिसाब से किक देना चाहिए था इस बाइक के अंदर। 150cc में यार मुझे लगता है किक देना चाहिए कंपनी को। एंड जो गियर शिफ्ट्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, 5 gears आते हैं टोटल इस बाइक के अंदर। एंड ओवरऑल जो लुक आता है इस बाइक का यार वो बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर राइडर को भी एक काफ़ी बढ़िया फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पर ये इसका फ्यूल टैंक का कैप है, यहाँ से आप पेट्रोल भरवा सकते हैं इस बाइक के अंदर। हैंडल बार्स में काफ़ी बढ़िया जो क्वालिटी है बटन्स की वो आपको देखने को मिलती है यहाँ पर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। दिस इज द किल स्विच एंड द इग्निशन स्विच। ओवरऑल जो लुक आता है वो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। एंड जो यहाँ पर डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है वो बहुत ही अच्छे लुक के साथ आता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट हेडलाइट क्लस्टर तो बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ देखने को मिलती है इस बाइक की। आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार यहाँ पर आपको फ्रंट प्रोजेक्टर लैम्प देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको एक थ्रो देता है, एक अच्छा लुक देता है, एक अच्छा नाइट विजिबिलिटी देता है। तो डेफिनेटली FZX मेरे हिसाब से एक बहुत ही शानदार पैसा वसूल 150cc बाइक है। डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए अगर आप लेना चाहते हैं 150cc में एक शानदार पैसा वसूल गाड़ी। सो गाइस एग्जॉस्ट रोड में सुना देता हूँ इस बाइक का आपको, एक बार ऑन हो चुकी है बाइक, काफ़ी बढ़िया एक बेसिक एग्जॉस्ट नोट है। मुझे पर्सनली एग्जॉस्ट नोट बहुत अच्छा लगा इस बाइक का। And the exhaust note of this bike is really nice. FZ से better exhaust note है इसका definitely. मुझे personally काफ़ी बढ़िया लगा। Tail light भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके की मिलती है। And यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ instrument cluster इस तरह का मिलता है। यहाँ पर left side में आपको RPM देखने को मिलेगा, यहाँ पर kilometers कितने चलाइए, मतलब क्या speed है, odometer है, यहाँ पर fuel indicator है,
एंड ट्रिप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रिप वन ट्रिप बी करके ये बटन से आप ऑपरेट कर सकते हैं सब चीज़ें। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम वगैरह कितने किलोमीटर चली है टोटल। इसका एग्जॉस्ट जो थ्रॉटल है वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव है, उसका रिस्पॉन्स भी मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा इस बाइक के थ्रॉटल का। ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्लच काफ़ी लाइट है इस बाइक का, गियर शिफ्ट बहुत बढ़िया है। तो गाइस ये है एग्जॉस्ट मोड ऑफ द FZX। तो गाइस आज की वीडियो में सर इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, एंड साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, throttle_9 इंस्टाग्राम का हैंडल है। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ डे, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय बाय।